नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने व्यापार रिश्तों पर फुल स्टॉप क्या लगाया, उल्टा अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार दी है। जी हां, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 के हटने पर बौखलाया पाकिस्तान, या फिर उसके वज़ीर आज़म इमरान खान हैं जो मोदी सरकार को धमकियों पर धमकियां दे रहे हैं, और जिसके चलते कहीं ना कहीं वो एक के बाद एक अजीबोगरीब फैसले ले रहे हैं। लेकिन इसके उलट टमाटर ने उनका दम निकाल दिया है। जी हाँ, व्यापार रोकने से कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगता है कि इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव भारत पर पड़ेगा। लेकिन एक अखबार के हवाले से कहीं, या फिर एक अखबार का ये दावा है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा असर भारत को नहीं बल्कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पर ही पड़ेगा। अखबार ने कई एक्सपर्ट्स की राय ली जिन्होंने ये दावा किया है कि बिजनेस रोक जाने से सबसे ज़्यादा नुकसान आर्थिक तौर पर पाकिस्तान को होने वाला है। और जिन एक्सपर्ट्स ने अपनी राय दी उनमें फेडरेशन ऑफ इंडिया एक्सपर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर हैं जनरल अजय सहाय। उन्होंने कहा कि कारोबार का निलंबन भारत के बजाय पाकिस्तान को अधिक प्रभावित करेगा क्योंकि वो हमारे ऊपर अधिक निर्भरता रखता है। इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड के प्रोफेसर राकेश मोहन जोशी ने भी यही कहा कि पाकिस्तान का बिजनेस कारोबार को प्रभावित करने वाला है। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विश्वजीत धर भी, उनका ये कहना है कि लॉन्ग टर्म की बात हो या फिर शॉर्ट टर्म की, इस फैसले से पाकिस्तान ज़्यादा प्रभावित होगा। और इसकी वजह यह है कि टमाटर और प्याज तक के लिए भारत पर पाकिस्तान निर्भर रहता है। जी हाँ, हरी सब्जियों से लेके टमाटर हो गया, प्याज हो गया, ये तमाम सप्लाई वहाँ की जो रोज़मर्रा की जो ज़रूरतें होती हैं उस पर पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत पर निर्भर रहता है। अब जो कि पाकिस्तान ने ट्रेड रोक दिया है, इसके चलते वहाँ के बाज़ारों में, वहाँ की मंडियों में, वहाँ की सब्जी मंडियों में बिकने वाला जो टमाटर है उसकी कीमतों में बड़ा उछाल आया है। जी हाँ, हमारे देश में जहाँ टमाटर मान लीजिए 70-80 रुपये किलो बिक रहा है, वहाँ पे 300 रुपये किलो बिक रहा है, जिसने वैसी आर्थिक मंदी की मार झेल रहा पाकिस्तान वैसे ही झेल रहा है, और ऊपर से टमाटर की 300 रुपये किलो की कीमतों ने वहाँ की आम लोगों की कमर तोड़ दी है। ये भी आपको बता दें कि कहीं ना कहीं जब 14 फरवरी को पुलवामा हमला हुआ था तो भारत या फिर जो ट्रेड था उसमें एक तरह से कहीं ना कहीं पाकिस्तान से आने वाली वस्तुओं पर भारत की तरफ से 200% ड्यूटी लग गई थी, जिसके चलते दोनों देशों के बीच का जो व्यापार था वो 99% उस व्यापार में गिरावट आ गई थी। अब आपको ये भी बताते चलें कि भारत एक ऐसा देश है जिसने पाकिस्तान को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा दिया था, जिसके चलते पाकिस्तान भारत से कई चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता था। लेकिन जो कि पाकिस्तान ने कभी भी भारत को मोस्ट फेवरेट नेशन का दर्जा नहीं दिया था, जिसके चलते कई चीज़ें थी जो पाकिस्तान से भारत कहें कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होती थी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि जो ट्रेड पाकिस्तान की तरफ से रोका गया है उसका थोड़ा बहुत अगर नुकसान भारत को होगा तो उसका दुगना कहें या तिगुना कहें उसका सबसे ज़्यादा नुकसान पाकिस्तान पर पड़ेगा। आपको ये भी बताते चलें कि जब से जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया है तब से पूरा का पूरा पाकिस्तान आग बबूला हो रखा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो समर्थन जुटाने में लगा है जो कि उसे कहीं से मिल नहीं रहा है, चाहे अमेरिका की बात करें, रूस की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या फिर म्यांमार की बात करें, जिसके चलते अब उसने चीन का रुख किया है। तो एक के बाद पाकिस्तान कदम तो उठा रहा है, फिर चाहे हम बात करें अपने वहाँ उसने बॉलीवुड फिल्मों को बैन कर दिया है, व्यापार रोक दिया है, जो कूटनीतिक रिश्ते हैं उसकी समीक्षा की बात कर रहा है, वहाँ पे जो हमारे भारतीय उच्चायुक्त हैं उन्हें वापस भेजने की बात कर रहा है। तो पाकिस्तान अपनी तरफ से एक के बाद एक फैसले ले रहा है, कहीं ना कहीं वो भारत पर प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है कि और इसे संयुक्त राष्ट्र में भारत के इस फैसले को चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, या फिर ये कहें कि भारत पाकिस्तान की तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों का किस तरह से मोदी सरकार जवाब देती है, अब ये देखना बाकी है। नहीं था साथियों, अब आर्टिकल 370
और 35A बीते हुए इतिहास की बात हो जाने के बाद उसके नकारात्मक प्रभावों से भी जम्मू कश्मीर जल्द बाहर निकलेगा, इसका मुझे पूरा विश्वास है। भाइयों और बहनों, नई व्यवस्था में केंद्र सरकार की यह प्राथमिकता रहेगी कि राज्य के कर्मचारियों को, जिसमें जम्मू कश्मीर की पुलिस भी शामिल है, उन सबको दूसरे केंद्र शासित प्रदेश के कर्मचारियों और वहां की पुलिस के बराबर की सुविधाएं मिले। अभी केंद्र शासित प्रदेशों में अनेक ऐसी वित्तीय सुविधाएं जैसे LTC, हाउस रेंट अलाउंस, बच्चों की शिक्षा के लिए एजुकेशन अलाउंस, हेल्थ स्कीम जैसी अनेक सुविधाएं दी जाती हैं, जिनमें से अधिकांश जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिस परिवारों को नहीं मिलती हैं। ऐसी सुविधाओं का तत्काल रिव्यू कराकर जल्द ही जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को, पुलिसों को, उनके परिवारजनों को ये सुविधाएं मुहैया कराई जाएगी। साथियों, बहुत जल्द ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख में सभी केंद्रीय और राज्य के रिक्त पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इससे स्थानीय नौजवानों को रोजगार के पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे, साथ ही केंद्र सरकार की पब्लिक सेक्टर यूनिट्स और प्राइवेट सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके अलावा सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थानीय युवाओं की भर्ती के लिए रैलियों का आयोजन किया जाएगा। सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप योजना का भी विस्तार किया जाएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सके। जम्मू कश्मीर में राजस्व घाटा भी बहुत ज्यादा है, एक प्रकार से राजस्व घाटा बड़ी चिंता का विषय होता है। केंद्र सरकार यह भी सुनिश्चित करेगी कि इसके प्रभाव को कम किया जाए। भाइयों और बहनों, केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 300 हटाने के साथ ही अभी कुछ कालखंड के लिए, और मैं बताता हूं कुछ कालखंड के लिए, जम्मू कश्मीर को सीधे केंद्र सरकार के शासन में रखने का फैसला बहुत सोच समझ कर लिया है। इसके पीछे की वजह समझना भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। जब से वहां गवर्नर रूल लगा है, जम्मू कश्मीर का प्रशासन सीधे केंद्र सरकार के संपर्क में है। इसकी वजह से बीते कुछ महीनों में वहां गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट का और बेहतर प्रभाव जमीन पर दिखाई देने लगा है। जो योजनाएं पहले सिर्फ कागजों में रह गई थी, उन्हें अब जमीन पे उतारा जा रहा। दशकों से लटके हुए प्रोजेक्ट्स को नई गति मिल रही है। हमने जम्मू कश्मीर प्रशासन में एक नई कार्य संस्कृति लाने,
पारदर्शिता लाने का भरसक प्रयास किया है। इसका नतीजा है कि आईआईटी, आईआईएम, एम्स हो, तमाम साथ साथ इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हो, पावर प्रोजेक्ट्स हो, या फिर करप्शन ब्यूरो, एंटी करप्शन ब्यूरो, इन सब के काम में तेजी आई है। इसके अलावा वहां कनेक्टिविटी से जुड़े प्रोजेक्ट हो, सड़कों और नई रेल लाइनों का काम हो, एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, सभी को तेज गति से आगे बढ़ाया जा रहा है। साथियों, हमारे देश का लोकतंत्र इतना मजबूत है, लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि जम्मू कश्मीर में दशकों से हजारों लाखों की संख्या में ऐसे भाई बहन रहते हैं जिन्हें लोकसभा के चुनाव में, उसमें तो वोट डालने का अधिकार था, लेकिन वो विधानसभा और वहां की पंचायत या वहां की नगरपालिका या वहां की नगर महानगरपालिका न वो चुनाव में मतदान कर सकते थे न चुनाव लड़ सकते थे। ये वो लोग हैं जो 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से भारत आए थे। हिंदुस्तान के अन्य राज्यों में उनको सब अधिकार है, अकेले जम्मू कश्मीर में नहीं है। क्या इन लोगों के साथ अन्याय ऐसे ही चलता रहता? साथियों, जम्मू कश्मीर के अपने भाइयों बहनों को मैं एक महत्वपूर्ण बात और स्पष्ट करना चाहता हूं। आपका जनप्रतिनिधि आपके द्वारा ही चुना जाएगा, आपके बीच से ही आएगा। जैसे पहले एमएलए होते थे वैसे ही एमएलए आगे भी होंगे, जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्रिपरिषद होती थी, वैसे ही मंत्रिपरिषद आगे भी होगी, जैसे पहले आपके सीएम होते थे वैसे ही आगे भी आपके मुख्यमंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि इस नई व्यवस्था के तहत हम सब मिलकर आतंकवाद, अलगाववाद से जम्मू कश्मीर को मुक्त कराएंगे। जब धरती का स्वर्ग हमारा जम्मू कश्मीर फिर एक बार विकास की नई ऊंचाइयों को पार करके पूरे विश्व को आकर्षित करने लगेगा, नागरिकों के जीवन में ईज ऑफ लिविंग बढ़ेगी, नागरिकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बेरोक टोक मिलने लगेगा, शासन प्रशासन की सारी व्यवस्था जनहित कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाएगी, तो मैं नहीं मानता कि केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी की व्यवस्था जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की जरूरत पड़ेगी।